हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई मार्किंग। ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई के बोर्ड में पहले आ चुके हैं। आज हम इसमें चैप्टर्स 1 टू 15 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में भी हमने 15 क्वेश्चंस बताए थे सीबीएसई मार्किंग के, जिसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था और आज भी हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर 1 का लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ HCF of 48 and 72 is D, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। तो इसका जो HCF है वो D के इक्वल है, हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें 48 और 72 जो दो नंबर्स गिवन है उनका HCF फाइंड आउट करना है। HCF के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों गिवन नंबर्स के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज द HCF। सो HCF जो यहाँ पे D है इज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। सो हियर D इज 24। क्वेश्चन नंबर 2। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 5x square minus 7x minus 2, find the sum of the reciprocals of the zeros। यहाँ पे एक हमारे पास polynomial given है जिसके zeros alpha beta हैं। हमें find out करना है उन zeros के reciprocal का sum। So सबसे पहले हम लोग इसमें polynomial लिखते हैं px is equal to 5x square minus 7x minus 2। इसके जो जीरोस हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस इज वी नो दैट माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस इंटू माइनस 7/5। सो दिस इज 7/5 एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। सो हेयर माइनस 2/5। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेसिप्रोकल इन जीरोस का और उसके बाद एडिशन। सो अल्फा बीटा इज LCM। सो बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा सेम है। सो इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं 7/5 एंड अल्फा बीटा इज माइनस 2/5। सो दिस बिकम 7/5 इंटू 5/-2। 5 से 5 कैंसल्ड आउट। सो दिस इज माइनस 7/2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x minus 3y plus 4 equals to 0 एंड 4x plus 3y minus 20 equals to 0। हमें इसका ग्राफिकली सोल्व करना है एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। नाउ वी सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के 3-3 सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में -1 0 2 4 एंड 5 8। इक्वेशन 2 में 5 0 2 4 एंड -1 8। ये हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और हम इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यूज और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्वेशन 1 के ग्राफ के लिए हम लोगों ने पॉइंट्स -1 0 2 4 एंड 5 8 रिप्रेजेंट किए और हमने इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी। उसके ऊपर हमने इक्वेशन को भी मेंशन किया 4x minus 3y plus 4 equals to 0। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए भी सेम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जहाँ पे भी दोनों स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे देखिए x equals to 2 एंड y equals to 4 इज द सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हमें एरिया फाइंड आउट करना है दीज टू लाइंस एंड x एक्सिस। तो हमारे पास ये वाला जो शेडेड पार्ट हुआ पूरा, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है दीज टू लाइंस एंड x एक्सिस। तो ये x एक्सिस और ये दो लाइंस। तो इसके एरिया के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बेस देखना होगा कि बेस की लेंथ कितनी है। सो देखिए y एक्सिस से 5 तक और -1 तक, तो ये टोटल डिस्टेंस 6 हो गया बेस का। और इसका जब हम परपेंडिकुलर करेंगे तो 4। सो बेस इज 6 एंड परपेंडिकुलर इज 4। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। So solution of equation x equals to 2 and y equals to 4. Now area of triangle, that is 1 upon 2, base is 6 and perpendicular is 4. So this is 12 square unit is the area. Question number 4. Write in standard form and find the roots. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर हमने उसके बाद उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मींस एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे एक्स है और इस ये जो 1/x है उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। सो 1/a + b + x - 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम एलसीएम लेंगे। So this is a + b + x into x, तो यहाँ पे x minus a + b + x equals to, here LCM is ab, so this is b + a, x minus bracket open करेंगे minus a minus b minus x, यहाँ पे हम इसको multiply करेंगे ax + bx + x square is a + b upon ab। देखिए प्लस x माइनस एक्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया, सो दिस इज a + b upon ax + bx + x square इक्वल्स टू दिस इज a + b upon ab। a + b से a + b कैंसल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो x square + ax + bx इक्वल्स टू ab को -1 से मल्टीप्लाई किया, सो -ab। अब इस -ab को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, सो x square + ax + bx + ab इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, सो x + a + b x + a इक्वल्स टू 0, सो x + a into x + b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके 0 बना रहे हैं, दैट मीन्स आइदर x + a इक्वल्स टू 0 और x + b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सोल्व करने पे x की वैल्यू -a और -b। सो दिस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड दिस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड मीन्स लास्ट टर्म से हम फर्स्ट टर्म की तरफ चले। सो एपी इज 5, 9, 13 to 185। तो सबसे पहले हम इस एपी को रिवर्स ही लिखना शुरू करते हैं। इफ एपी इज कंसिडर्ड फ्रॉम लास्ट, सो दिस एपी इज बिकम 185 to 13, 9 and 5। अब हमने इसमें इस एपी के 185 को स्टार्टिंग पॉइंट मान के यहाँ से 9th टर्म फाइंड आउट करना है। सो हेयर a इज 185, d इज 9 - 13, दैट इज -4, एंड n इज 9। सो a9 इज a + 8d, a इज 185 + 8d मीन्स -4। So 185 - 32, so a9 is 153. So 9th term from the end of the AP is 153. Question number 6 chapter 6 triangle chapter से है। In figure DE is parallel to AC, so DE और AC parallel है and DF is parallel to AE, so this line DF and AE are parallel. Now we have to prove BE upon EC is equal to BF upon FC. तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग और क्या गिवन है वो हमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें गिवन टू प्रूव लिखना है। फ्रेंड्स प्रूव करने के लिए एक सिस्टम होता है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, देन टू प्रूव, अगर आपको कंस्ट्रक्शन भी करने की जरूरत है देन कंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। अब प्रूफ में यहाँ पे हमको ध्यान देना है इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन का पेयर और दूसरी पैरेलल लाइन के पेयर के लिए जो ट्राइंगल बनता है उसमें बीपीटी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये जो ए बी ई ट्राइंगल है, इसमें देखिए दो लाइन पैरेलल हैं डी एफ एंड ए ई, तो हम इजीली बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर दैट डी ई और ए सी के लिए अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो ए बी सी में भी हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी में कंडीशन लिखनी होगी हमें डी एफ इज पैरेलल टू ए ई सो बाय बीपीटी। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बीपीटी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए, देखिए बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम दूसरा पेयर पैरेलल लाइन का लेंगे और उसके लिए ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। दूसरा पेयर है डी ई एंड ए सी आर पैरेलल, तो उसके लिए ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसमें क्या होगा, डी ई इज पैरेलल टू ए सी सो बाय बीपीटी, यहाँ पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, सो दिस इज बी ई अपॉन ई सी, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल कर दीजिए, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल, पॉइंट पी का डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है, देन प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू 2y। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट P लिखेंगे, कोऑर्डिनेट xy। अब P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है, तो इस तरह से हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस इज 5 1 एंड B इज -1 × 5। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि PA इक्वल्स टू PB, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले ही स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं जिससे अंडर रूट नहीं बनेगा। सो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, अब हम अप्लाई करेंगे। सो एक्स -5 होल स्क्वायर प्लस वाई -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स +1 होल स्क्वायर प्लस वाई -5 होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, वाई स्क्वायर कैंसल्ड आउट, यहाँ पे 1 से 1 कैंसल्ड आउट, 25 से 25 कैंसल्ड आउट। सो दिस इज -10x और 2x को भी हम शिफ्ट करेंगे, सो -2x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में -10y, -2y को शिफ्ट किया तो +2y। सो दिस इज -12x इक्वल्स टू -8y। अब इसमें हम दोनों तरफ -4x से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इजीली डिवाइड हो सकता है। सो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, सो दिस इज 3x इक्वल्स टू 2y। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि काफी बार पेपर में आ चुका है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड लाने में काफी प्रॉब्लम होगी, राइट हैंड साइड से भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई हुई है कि यहाँ पे 1/sec a प्लस tan a, और इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और -1/cos a को राइट हैंड साइड में। तो जो हमें प्रूव करना है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका पैटर्न अलग हो जाएगा, जो हमें दिखाई देगा वो डिफरेंट होगा। इज इक्वल टू 1/cos a प्लस 1/cos a, तो 1/cos a इज 2/cos a। तो हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को इजीली सोल्व करके राइट हैंड साइड ला सकते हैं। तो अब जो हमारे पास प्रूव करने के लिए है दैट इज दिस, ये हमें प्रूव करना है 2/cos a के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो एक बार हम इसको एज इट इज लिखते हैं 1/sec a प्लस tan a प्लस 1/sec a माइनस tan a। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, sec a प्लस tan a एंड sec a माइनस tan a। सो यहाँ पे बचेगा sec a माइनस tan a प्लस कैंसिल्ड आउट, तो ये बचेगा sec a प्लस tan a। अब देखिए माइनस tan a प्लस tan a कैंसिल्ड आउट हो गया, ऊपर हमारे पास बचा 2 sec a अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b अप्लाई करेंगे, तो दिस इज sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए हमें एक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a पता है, तो अगर मैं tan स्क्वायर a को शिफ्ट कर दूं, सो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। सो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, सो दिस इज 2 sec a अपॉन 1। सो दिस इज sec a को अगर मैं नीचे ले आऊं तो 2/cos a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। फ्रेंड्स ये चैप्टर 9 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर के टॉप का, कहां से, ग्राउंड से 4 मीटर डिस्टेंस से। यहां से हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ये, और इसी ग्राउंड से ही 9 मीटर डिस्टेंस पे। सो दिस इज 9 मीटर। तो ध्यान से रखिए 9 मीटर टावर के बेस से है, यहां से 9 मीटर नहीं है, यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन ये दो। तो इन दोनों में एंगल जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें प्रूव करना है टावर की जो हाइट है दैट इज 6 मीटर। सो इन दोनों एंगल्स को, एक को अगर मैं थीटा लेट करता हूं देन अदर वुड बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब यहाँ पे ए बी सी एंड डी, वी हैव टू प्रूव हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस के बारे में है, सो tan 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन BC, tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा H अपॉन 4। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें थीटा है। सो इन ट्राइंगल ABD में हम लिखेंगे tan थीटा इज AB अपॉन BD, सो tan थीटा इज H अपॉन 9। अब यहाँ पे देखिए कोट थीटा है, ये tan थीटा है, तो मैं इस tan थीटा को भी कोट थीटा में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। सो 9 अपॉन H। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों ही में ही लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा है, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 H अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन H। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो H इज इक्वल टू 6 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के चैप्टर 10 का। इसमें xy और x-y' दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल्स, जो 4 एंगल्स हैं उनका नेमिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो अब कंसेप्ट समझेंगे हम लोग जरा कि किस तरह से हम लोग एंगल ए और बी को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव करना है सीपीसीटी के थ्रू, तो उसके लिए हमें ट्राइंगल सेलेक्ट करने होंगे। तो हम लोगों ने ट्राइंगल सेलेक्ट किया ए पी ओ एंड ए सी ओ। इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए देखिए ए पी एंड ए सी आर इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रो होती हैं वो इक्वल होंगी। पी ओ एंड सी ओ आर इक्वल, रेडियस एंड ए ओ इज कॉमन। सो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगे। सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हम एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूव करेंगे बाय सीपीसीटी, जिसके लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स बी क्यू ओ एंड बी सी ओ को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। जब हमारे पास एंगल 1, 2 के इक्वल आ गया, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गए, आफ्टर दैट हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। इन चारों का सम 180 डिग्री। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिख देंगे तो एंगल 2 2 टाइम्स हो गया। एंगल 4 को एंगल 3 के इक्वल लिख देंगे, एंगल 3 2 टाइम्स हो गया। तो एंगल 2 प्लस 3 जो सम है वो 2 टाइम्स हो गया, इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 प्लस 3 इज 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है, एंगल AOB इज 90 डिग्री। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि रिटर्न में किस तरह से होगा। फर्स्ट हमने गिवन टू प्रूव लिखा। प्रूफ में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। So एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, देन चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 की जगह हमने 2 लिखा, 2 की जगह सेम रहेगा, 3 की जगह सेम रहेगा, 4 की जगह भी 3 लिखा। तो हमने दोनों को एंगल 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल AOB, सो 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल AOB इज 90 डिग्री, 180/2। क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमें एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है एक सर्कल पर जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेके वहां से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है। सो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर। अब इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर जो पॉइंट होगा वो इससे बाहर होगा। सो इसको हम नाम लिख लेते हैं ओ ए। अब हमें ए से इस सर्कल पर टेंजेंट्स बनाने हैं, तो जिस डिस्टेंस से टेंजेंट बनाने हैं वो सेंटर तक ज्वाइन किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि हमने इसको डायमीटर लेट करना है। तो डायमीटर लेट करके ये पॉइंट आया, यहाँ से ये रेडियस इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया ये। अब इस सर्कल में ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इस सर्कल को ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज बी एंड सी। तो इस ए को हम लोगों ने बी से ज्वाइन किया, ए को हम लोगों ने सी से ज्वाइन किया, तो जो टेंजेंट बनेगी दैट इज ए बी एंड ए सी। और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल भी होंगी, अगर हमें मेजरमेंट के लिए आता है तब हम इन दोनों को इक्वल भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। यहाँ पे देखिए हमारे पास AOB एक इक्वेटर ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर साइड्स का। इसके लिए हमने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके उसको रेडियस मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये पूरा सर्कल और ये जो शेडेड पार्ट है पूरे कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया जिसका एरिया है। एक तो हम लोगों ने ये जो इक्वेटर ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और ये जो बाकी लेफ्ट है दैट इज मेजर सेक्टर उसका एरिया। तो दोनों एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एंगल जो है ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्वेटर ट्राइंगल है, तो जो बाहर का हमारे पास एंगल बचा दैट इज 300 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है। and area of equilateral triangle is under root 3/4 into side square. Here side is 12 centimeter. हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 156.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 13. 504 cones, each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into a metallic sphere. Find the diameter of the sphere and hence find its surface area. यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी एक कोन है. इस तरह से हमने 504 कोन्स लिए और उनको मेल्ट किया और उससे हमने एक स्फीयर बनाया. तो इट मीन्स एक कोन को मेल्ट करने पे जो भी वॉल्यूम बना या जो भी वॉल्यूम था एक कोन का उसको 504 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वॉल्यूम हो गया जो भी मेल्ट करके आया वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसकी रेडियस. वॉल्यूम ऑफ वन कोन मल्टीप्लाई 504 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1/3 πr²h. तो यहाँ पे h दैट इज 3. यहाँ पे 3 से और मल्टीप्लाई होगा एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे r. सो हेयर आर क्यूब इज इक्वल टू 7 × 7 × 126 × 3 / 4 × 4. That is 63 is. So this is 7 का क्यूब बन गया और यहाँ पे 3 का क्यूब. So 7 × 3 / 2 इक्वल्स टू आर क्यूब. So r is equal to 21/2. That means 10.5 centimeter. तो हमारे पास रेडियस आ गई. Now surface area of sphere. Now surface area of sphere is 4 pi r square. 4 pi is 22/7 and r is 21/2. So 1386 centimeter square is the surface area of sphere. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. एक टेबल गिवन है, हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है. सो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लोगों को मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी होगी. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास होगी. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 सबसे ज्यादा है, 26 to 30 मॉडल क्लास की. सो मॉडल क्लास इज 26 to 30 क्लास इंटरवल. अब इसी में हम लोगों ने जो ये 26 है दैट इज L. यहाँ पे F0, F1 एंड F2 और इनका जो गैप है दैट इज 4H हो गया. सो हियर L इज 26, H इज 4, F0 इज 20, F1 इज 25, F2 इज 20. इस वैल्यू को हम लोग मोड के फॉर्मूले में पुट करते हैं और फाइंड आउट करेंगे कि आंसर क्या आता है. सो मोड इज 28.5. क्वेश्चन नंबर 15. ए बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 digit नंबर एंड ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं जो कि टोटल आउटकम्स बनेंगे. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कार्ड्स जो हैं वो 2 to 90 है तो 90 - 2 88 कर देंगे. लेकिन आप यूं समझिए कि 1 से लेकर 90 तक कार्ड होते तो 90 कार्ड होते लेकिन उसमें 1 नहीं है. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 89. अब यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं ए 2 digit नंबर. तो जब भी 2 digit नंबर होगा वो 10 से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पे 90 तक होगा. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 90 - 10 80 लिख देंगे. लेकिन आप यूं समझिए कि अगर हमारे पास 1 से लेके 90 तक कार्ड होते तो 90 कार्ड होते, उसमें से 1 से लेके 9 तक 9 कार्ड नहीं है. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पे होंगे हमारे पास 81। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 81/89। नाउ सेकेंड पार्ट, ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कार्ड्स के ऊपर नंबर हैं वो 2 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। सो जो परफेक्ट स्क्वायर में उसमें 1 तो नहीं होगा, 2 स्क्वायर इज 4 से शुरू होगा, देन 3 स्क्वायर 9, 16, 4 स्क्वायर 5 के लिए 25, दैट इज 36, 49, 64, देन 81। लेकिन अगर हम 10 के लिए करेंगे तो 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो टोटल नंबर ऑफ 8 कार्ड्स होंगे जिन पे परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जिनके ऊपर कार्ड पे हो दैट इज 8/89। सो दिस इज द वे वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चंस सीबीएसई मार्किंग के। दिस इज लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस का आपको लोगों के लिए एक्सप्लेन करके बताए, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।